एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव से जाम्बू खंड तालाब में बुधवार को डूबने से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। इनमें 2 लड़कियां हैं। तीनों बच्चे चचेरे भाई बहन थे और पानी में नहा रही भैंसों को निकालने के लिए तालाब में उतरे थे। तीनों के शव ग्रामीणों ने तालाब से निकाले। 12 वर्षीय सपना पारगी, 13 वर्षीय ललित पारगी और 14 वर्षीय अर्चना पारगी अपनी भैंसों को ढूंढने निकले थे। नई दिल्ली सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 9वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अहम घोषणा की है। CBSE ने अपने सभी स्कूलों को नोटिस जारी करके कहा है कि 9वीं और 11वीं के जो स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल हो गए हैं उन्हें परीक्षा में फिर से बैठने का अवसर प्रदान करें। 13 मई को जारी हुई CBSE के एक नोटिस के मुताबिक ये अवसर सभी स्टूडेंट्स को दिया जाना चाहिए था, भले ही उन्हें यह अवसर पहले मिल चुका हो। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की धोखेबाजी के खिलाफ देश में गुस्सा बरकरार है। भारत सरकार ने सोमवार को देर रात 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। चीनी कंपनियों के खिलाफ जनता सरकार की मुहिम के बाद अब पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में टिकटॉक कंपनी की पैरवी करने से साफ मना कर दिया। जैसलमेर जिले में एक बाइक पर 5 युवकों को सवारी करना भारी पड़ गया। नाचना में बीकानेर रोड पर अवाय गांव के समीप बीती देर रात बाइक बेकाबू होकर सामने से आ रही एक पिकअप में जा टकराई। इस हादसे में 2 जनों की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। बीकानेर जिले के नोखा में बुधवार को बारातियों की बोलेरो और ट्रेलर की भिंडत में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। बोलेरो में सवार भामटसर में एक शादी में शामिल होकर लौट रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि जिसमें 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस के अनुसार भामटसर में शादी समारोह में शामिल होकर बाराती बासी बरसियासर लौट रहे थे। नोखा गांव के पास ट्रेलर और बोलेरो में भिंडत हो गई। हादसे में लालम देसर मागरा निवासी महेंद्र और बासी निवासी रामस्वरूप की मौत हो गई। पुलिस ने 4 घायलों के पास में ही अस्पताल भिजवाया, जहां से उन्हें PBM अस्पताल रेफर कर दिया गया। उदयपुर जिले के भिंडसर स्थित गुलाब सिंह शक्तावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला ने 3 बच्चियों को जन्म दिया। 30 मिनट के दौरान सामान्य प्रसव से 3 बच्चियों का जन्म हुआ। यहाँ सामान्यतः यह पहला मामला है जब एक साथ 3 बच्चियों का जन्म हुआ। डॉक्टर के अनुसार भिंडर क्षेत्र के नयातालाब निवासी गोपीबाई पत्नी केशुलाल मीना सुबह चिकित्सालय में भर्ती हुई। राजस्थान में सहकारी बैंकों की सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों तथा अनुकंपा से नियुक्त कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि में देय नियत पारिश्रमिक में दुगने तक की वृद्धि की गई। इस वृद्धि से 4 संवर्ग वरिष्ठ प्रबंधक, प्रबंधक, बैंकिंग सहायक एवं चतुर श्रेणी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। संशोधित नियम वेतन 1 जुलाई 2020 से लागू होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर प्रदेश के सभी डॉक्टर्स को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि आज का दिन उन तमाम डॉक्टर्स को समर्पित है जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे इंसानों का न सिर्फ इलाज करते हैं बल्कि एक नया जीवन भी प्रदान करते हैं। कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। खरीफ 2020 और रबी 2020 और 21 सीजन के लिए यह अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के मुताबिक खरीफ 2020 की फसल बीमा करवाने की अंतिम अवधि 15 जुलाई रखी गई है। जो किसान फसली ऋण लेते हैं उनका बैंक अपने स्तर पर बीमा प्रीमियम काटकर बीमा कर लेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जयपुर के सांगानेर में एक पटवारी को आज घूस लेते गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पटवारी देवेंद्र कुमार ने जमीन का इंतकाल करने के एवज में 2000 रुपये रिश्वत मांगी थी। परिवादी ने इस बारे में ACB को शिकायत की। ACB ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद जाल बिछाया। आज पटवारी ने जैसे ही 2000 की रिश्वत ली ACB ने उसे पकड़ लिया। जैसलमेर के नाचना गांव में घर में रह रही एक वृद्ध महिला की बुधवार को संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई। महिला के पहने हुए गहने सहित घर में से नकदी व चांदी के बर्तन गायब हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या की गई है। नाचना गांव में 80 वर्षीय यशोदा देवी चांडक अकेली रहती थी। उसके परिजन चेन्नई व अहमदाबाद में रहते हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने कहा कि ऋण प्रवेशकों की रिक्त पदों पर राजस्थान सहकार भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए।
इससे करीब 300 पदों पर नियुक्ति होगी, जिससे बैंकों की कार्य प्रणाली में और गति आएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारी बैंकों के ऋण प्रवेशकों के रिक्त पदों की सूची मंगवाकर भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र संपन्न करें। राजस्थान में 2 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। इसके अगले दिन 3 जुलाई से प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो सकता है। विभाग के मुताबिक 3 जुलाई को 12 झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर जिले में कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 4 जून को 12 झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर जिलों में कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों के बाशिंदों को अगले 3-4 दिन गर्मी के तीखे तेवरों का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान की गहलोत सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा है कि वे पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते। उन्होंने कहा कि ऐसा कर लेंगे तो कीमत अपने आप ही कम हो जाएगी। खाचरियावास ने कहा कि भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं। पूरा देश जानता है और पूरी दुनिया जानती है कि केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के कारण पेट्रोल डीजल इतना महंगा हुआ है। जयपुर के जोटवाड़ा इलाके के जगन्नाथपुरी में एक ही परिवार के 4 और 2 किराएदारों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार 23 जून को एक महिला पॉजिटिव आई थी। 26 जून को महिला की मौत हो गई थी। 28 जून को परिवार के सदस्यों की सैंपलिंग करवाई, जिसमें 6 लोग पॉजिटिव आए। इसके अलावा शहर में 27 लोग पॉजिटिव और मिले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान से जुड़े तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।